वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं जॉय के एक और फेस वॉश का रिव्यू। एक और फेस वॉश का रिव्यू इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जॉय के बहुत सारे फेस वॉश का रिव्यू शेयर किया है। उन सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनकेस अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फेस शेयर करने वाले हैं जॉय के ये स्किन फ्रूट स्पॉट एंड टैन क्लियर फेस वॉश को, क्योंकि ये वाला जो फेस वॉश है ये मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि ये भी आजकल इसका एड काफ़ी आ रहा है टीवी में। सो ये मैं देख रही थी कि आई थिंक आप लोगों को भी इसके बारे में जानना होगा कि ये कैसा वर्क कर रहा है स्किन पे और इसको लेना सही है या नहीं। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जॉय का लोगो मिल जाएगा और उसके बाद में कुछ इस तरह का येलो कलर का ये ट्यूब पैक मिल जाएगा। वैसे इसकी कोई भी आउट ऑफ पैकेजिंग आपको नहीं मिलेगी। ये कुछ इसी तरह का आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा जॉय स्किन फ्रूट्स स्पॉट एंड टैन क्लियर फ्रूट इन्फ्यूज फेस वॉश, क्लियर डार्क स्पॉट एंड रिवील ब्राइटर स्किन। बिकॉज इसमें पपाया है तो ऑफकोर्स ये आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को सही करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। पपाया के बारे में हम और भी बातें करेंगे कि कैसे हमारी स्किन पे वर्क करता है, उसके बाद हम देख लेते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ml और इसका प्राइस जो है आपको मिलेगा जस्ट 70 rupees। 70 rupees में आपको फेस वॉश मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, आपके स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। इसका बड़ा पैक भी आपको मिल जाएगा जो कि 200 के अंदर ही आपको मिलेगा, तो अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो छोटा वाला पैक ही लें। बात करें अगर हम इसके टेक्सचर की, तो टेक्सचर आप इसका देख सकते हो, काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आपको दिखेगा। मतलब एक काफ़ी क्रीमी सा और एक काफ़ी शाइनी सा टेक्सचर आपको इसका दिखाई देगा और काफ़ी अच्छा है ये। ये काफ़ी छोटा सा ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट के बारे में, यानी कि पपाया के बारे में, कि पपाया हमारे स्किन पे कैसे वर्क करता है और कितना सूटेबल है हमारी स्किन के लिए। पपाया जो है आपके एक्ने को कंट्रोल करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करेगा। आपकी स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल या कोई भी अदर साइड इफेक्ट गया है तो उसको भी सही करेगा। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी है, तो ये काफ़ी अच्छा फोम भी क्रिएट करता है। तो क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। यूज़ करने के बाद में स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती है, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। वरना कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जिसका यूज़ करते ही स्किन काफ़ी ड्राई और खिंची खिंची सी लगने लग जाती है। उसके बाद में ये आपके फेशियल हेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आपके डार्क स्पॉट्स के लिए तो ये है ही। मतलब इन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये आपके डार्क स्पॉट और ब्लमिशेस पे काफ़ी वर्क करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जब नहीं होंगी तो आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर और हेल्दी लगेगी। तो नाउ अभी मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। मतलब नॉर्मल जैसे फेस वॉश यूज़ करे जाते हैं, बस उसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है। अगर आप दिन में दो बार यूज़ करते हैं तो आपको इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एंड आप सबसे पहले मेरे चैनल पे आ सके। अब मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पपाया के जैसी है, तो अगर आपको पपाया की फ्रेग्रेंस पसंद है तो आपको ये फेस वॉश भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है।